हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है गौंड जनजाति। गौंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गौंड कहा जाता है। गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। गौंड अपने आप को कोईटूर या कोल भी कहते हैं। 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गोंडों से शासित चार साम्राज्य गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला पनपे। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित हो गया। अपना टॉपिक है अगला निवास क्षेत्र। गौंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व असम में रहते हैं। गौंड सतपुड़ा पहाड़ियों, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार व गडजात पहाड़ियों में रहते हैं। आपके सामने मैप में भी दर्शाया भी गया है इनके निवास क्षेत्र को। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। इन क्षेत्रों से देश की प्रमुख नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी व गोदावरी का उद्गम हुआ है। इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है। अगला टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है, कुछ वनोत्पाद संग्रह, पशुपालन व मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। ये कृषि कई प्रकार से करते हैं। इनकी कृषि में किए जाने वाले प्रकारों में एक है दिप्पा कृषि। दिप्पा कृषि झूमी कृषि का एक प्रकार है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ कर खेत तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें फावड़े या हल से कुरेद कर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि का दूसरा प्रकार है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तेवर पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। इसके अलावा कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के गौंड मशुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं। इनके द्वारा
पशुपालन भी किया जाता है, और इसमें एक वर्ग है रावत वर्ग, उनका मुख्य पेशा पशुचारण करना व दूध बेचना है। एक क्रिया आखेट है जो इनकी मुख्य क्रियाओं में शामिल है, ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब राजकीय नियमों से निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान कृषि ने ले लिया है, अधिकांश गौंड अब कृषक बन गए हैं। अगला पॉइंट है भोजन। कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गौंडों के मुख्य खाद्यान्न हैं। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनते हैं। शिकार से प्राप्त व बलि दिए जानवरों का मांस भी खाते हैं। गौंड धूम्रपान करते हैं तथा महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। अगला पॉइंट है वस्त्र व आभूषण। गौंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में काले मनकों व कौड़ियों से बना हार पहनती हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफेद बांस से बने आधे दर्जन तक कंघे रखती हैं। अगला पॉइंट है निवास गृह। गौंड नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकलवाकर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। वहाँ बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा व पूजा घर जरूर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है औजार व बर्तन। गौंड लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं, जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लोहार फालियां, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गौंड के घरों में कुछ चारपाइयां तथा लकड़ी के स्टूल होते हैं। दरियां बैठने व सोने के काम में ली जाती है। अगला पॉइंट है समाज व संस्कृति। गौंड पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। गौंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट अथवा आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन प्रधान किया जाता है। गौंडों की गांव मान्यताओं मुखिया को इतिहास को गाकर अथवा लोगों को मुखादम सुनाते हैं तथा
प्रधान गांव की के चौकीदार कथानुसार को कोतवार जब के नाम से गौंड जाना के जाता है। भगवानों ने जन्म आपसी लिया विवादों तो का उनकी मां निपटारा ने गांव उन्हें की पंचायत बेसहारा कर छोड़ चुकी है। दिया। गांव के देवी पार्वती पुजारी ने वह उनको पुरोहित को सहारा दिया, देवारी कहा लेकिन जाता है। शंभू महादेव ने उनको एक आगे है गुफा में गोंडी कैद कर बोली दिया। द्राविडियन भाषा गोंडों के परिवार से नायक संबंधित है, पाहेंडी जिसका का पार संबंध लिंगम तमिल ने व देवी कन्नड़ से है। जंगूबाई की कई मदद गौंड से हिंदी उन्हें गुफा से मराठी आजाद व करवाया। तेलुगु भी वे बोलते हैं। चार समूहों साक्षरता में का गुफा स्तर से बाहर देश आए, के औसत से तभी बहुत से गौंड नीचे हैं। चार मुख्य महिला वर्गों में बंटे साक्षरता हुए हैं, नगण्य है। जिसे गौंड गौंडी भाषा जनजाति में के लोग सगा नृत्य कहते हैं। व गौंड गीतों के साथ भूतकाल पर्व में व मुर्गों को आपस उत्सव में मनाते लड़ाकर हैं। अपना गौंड मनोरंजन करते थे। पूर्णिमा को बड़ा चांदनी रात देव में इकट्ठे श्री होकर शंभू गाने महादेव व व नाचने का परशा पेन पूरा आनंद इनके लेते प्रमुख हैं। देवता हैं। स्त्री व पुरुष शीतला दोनों माता साथ नाचते व हैं। छोटी माता देवी धुलिया की भी गोंडों पूजा की करते हैं। प्रमुख ये गायक लोग जाती हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। इनमें अनेक प्रकार के जादू टोनों का प्रचलन है। रात्रि जागरण करते हैं। अधिकांश गौंड हिंदू हैं, पर कुछ लोग प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करता है। गौंड लोग काली, दंतेश्वरी व बड़ा देव को नरबलि भी देते थे, जिसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। गौंड जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते व दफनाते हैं। इनका विश्वास है कि आत्मा अजर अमर है। लास्ट पॉइंट है अपना आधुनिक संस्कृति से संपर्क। गौंड लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक क्रम की प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग खदानों व विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। खनन व निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई व स्थायी बस्तियां बस गई हैं। इन बस्तियों में अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों, बैंकों व पंचायतों की स्थापना हुई है। सड़क व रेल मार्गों के जाल से इनका संपर्क शहरों से बड़ा है। जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। पुराने रीति रिवाज व परंपराओं की पकड़ ढीली हुई है। सरकार ने दासता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। गौंड जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार से कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।